दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एलोवेरे का पौधा कैसे लगाएं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक बाल्टी लिया हुआ है और इसमें इन्होंने सड़ी हुई गोबर की खाद डाल ली हुई है और उसको मिट्टी में मिक्स करके अभी इसको और उसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं बाल्टी में डाल के। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ये जो है इसको अच्छे से मिक्स करके इसको इसमें होल बना रहे हैं, जिससे कि उस पौधे को इसमें डाल के अच्छे से मतलब उसको बैठा सके। तो अब ये पौधा ये बैठाने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो ये अब मिट्टी को बाहर के साइड में निकाल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी इसको निकालेंगे और फिर इसको इतनी जगह बनाएंगे कि जिससे कि पौधा आसानी से उसमें आ जाए। तो अभी उस मिट्टी को निकाल रहे हैं और फिर उसको उसमें पौधे को डालेंगे और बहुत ही संभाल के उसको डालना है दोस्तों। जैसे कि ये डाल रहे हैं इस जैसे कि उसकी पत्तियां भी न टूटे और पौधा ये बाल्टी के बीचों बीच में होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने उसको बाल्टी के बीचों बीच में लगाया हुआ है, जिससे कि वो लटके ना बाद में और उसकी पत्तियां भी टूटे ना और देखने में भी अच्छा लगे। अभी उसको मिट्टी से अच्छे से ढक देंगे और उसकी खुरपी की मदद से इसको अच्छे से दबा रहे हैं मिट्टी को, और उसके किनारे पे पौधे के किनारे पे दबाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दबा रहे हैं पौधे के किनारे पे, उसके बीच में नहीं मारना है वरना पौधा जो है वो पौधे को भी हार्म पहुँचेगा और पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिट्टी को दबाएंगे, जैसे कि पानी डालने पे पौधा लटके भी ना। हमें इसको अच्छे से दबाना है, बहुत ही अच्छे से दोस्तों, क्योंकि बाल्टी है और बाल्टी में तो ज़्यादा वैसे तो दूर तक जाएगी नहीं, जितनी बड़ी बाल्टी रहेगी उसी हिसाब से रहेगा पौधा। तो उसको अच्छे से हमें दबा देना है, जिससे कि पानी देने पर मिट्टियाँ बाहर के साइड में ना निकलें और पौधा भी हमारा सेफ अच्छे से ग्रो करें। तो आप देख सकते हैं हमारा पौधा भी जो है लग चुका है और ये उसको बस अच्छे से दबा रहे हैं और फिर इसमें जो है उसको थोड़ा थोड़ा सा साइड साइड से मिट्टी को उठा भी रहे हैं, थोड़ा उसको भुरभुरा बना रहे हैं मिट्टी को, जिससे कि पानी अंदर तक अच्छे से चला जाए और उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए प्लांट। तो हमारा एलोवेरा का प्लांट लग चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो। अब आप इसको इसमें जो है पानी डालना है और वो पानी ताज़ा ठंडा होना चाहिए। तो अब हम इसमें पानी आराम से किनारे से डालेंगे, बीच में अचानक से नहीं डालना है। जैसे कि डाल रहे हैं आप देख सकते हैं ये किनारे से पानी डाल रहे हैं और जिससे कि मिट्टियाँ निकले भी ना बाहर। दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम आपको और भी सारी टिप्स